और बड़ी खबर बिहार से। देखिए, बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद के राम मंदिर वाले बयान पर सियासत काफी गर्मा गई है। जगदानंद सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि राम तो कण कण में बसते हैं, लेकिन राम मंदिर नफरत की बुनियाद पर बन रहा है। जगदानंद सिंह के बयान को भारतीय जनता पार्टी ने वोट के लिए हिंदू आस्था पर चोट करार दिया है। भारत की जनता तो रामायण को लेकर के बैठी है सालों से, सुबह से लेकर शाम तक अध्ययन करती रहती है। अब पता नहीं किस मंदिर में बैठ जाएंगे, रामायण से भाग जाएंगे, कण कण से हट जाएंगे। अब ये भारत राम का नहीं रहेगा, केवल एक मंदिर राम का रहेगा। पत्थरों के बीच में वो रहेंगे, अब लोगों के हृदय के बीच में नहीं रहेंगे। हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि अब कण कण से सिमट करके केवल उस पत्थरों की चार दीवारी में राम चले गए, जहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों के अब राम बचेंगे। नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या अयोध्या की जमीन नफरत वाली है? सवाल बहुत सारे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जगदानंद से हमला करने में देर नहीं लगाई। उन पर शहजाद पूनावाला ने जगदानंद सिंह के बयान को हिंदू आस्था पर गहरी चोट करार दिया है। बार बार हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है एक इकोसिस्टम का। इसीलिए क्या हिंदू आस्था पर चोट करना सेक्युलरिज्म बन चुका है? क्या बार बार इस प्रकार के बयान देकर हिंदू आस्था पर चोट करना जरूरी बन चुका है वोट बैंक के लिए? अभी हमने हुसैन दलवाई का वो बयान सुना था भगवे कपड़े को लेकर, हिंदुत्व आइसिस की तरह होता है, हिंदू टेरर होता है, राम जी का अस्तित्व नहीं होता, राम मंदिर का विरोध करना, ये कांग्रेस का बयान, अब आरजेडी के भी इस प्रकार के बयान, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम वोट बैंक के चलते इस प्रकार के बयान बार बार देता है।